8 जून को भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित यादव बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र में सब्जी और फल मंडी के व्यापारियों से मिले। उन्होंने मंडी व्यापारियों से व्यापार और इसकी खरीद बिक्री से जुड़ी बातों पर चर्चा की। व्यापारियों ने बताया कि पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार ने ऐसी कई योजनाएं पास की हैं जिससे उनका व्यापार बढ़ सकता था, पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार उन्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। मौसम की मार के चलते इस बार सब्जी फलों की अच्छी पैदावार नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से जो सब्जी फल मंडी में बिकने के लिए आ रहे हैं उनको सही दाम नहीं मिल पा रहा। तेज गर्मी से भी सब्जियां खराब हो रही हैं। इसके अलावा व्यापारियों ने बिजली कटौती को एक बड़ी समस्या बताई है। उनका कहना था कि व्यापारियों को ज्यादातर भयंकर गर्मी में तपते हुए और अंधेरे में उनकी दुकान चलानी पड़ रही है। व्यापारियों की समस्याएं सुनकर मोहित यादव ने कहा, मौसम की मार झेल रहे किसानों और व्यापारियों को सरकार कोई राहत नहीं दे रही, जो बेहद शर्मनाक है, और व्यापारियों की असंतुष्टि मौजूदा सरकार की घोर असफलता सिद्ध करती है। कांग्रेस सरकार ने फ्री बिजली का वादा करके सबको लुभा तो लिया, पर यह नहीं बताया कि फ्री बिजली की इतनी कटौती होगी कि फ्री में नाम पर रोना पड़ जाएगा। प्रवेश का हर विभाग वर्ग इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती से त्रस्त है। किसान मुआवजे और लोन माफी की आस लगाकर निराश हो चुके हैं। यह राज्य की समस्त जनता के साथ विश्वासघात है, जिसका परिणाम आने वाले चुनाव में इन्हें जरूर भुगतना पड़ेगा।